यहाँ इंसान के ऊपर इंसान चढ़ गया, क्या सांस नहीं आ रही। भूत देखेंगे सामने से भाई, सब कर लेते हैं यार, भगवान बुलाता है तो वो शक्ति भी देता है भाई। लोग सब कुछ खत्म हो जाता है, लोगों का एक्साइटमेंट खत्म नहीं होता, सारी एनर्जी खत्म हो जाती है हमारी, लेकिन लोगों का एक्साइटमेंट बिल्कुल भी कम नहीं होता है वो भाई। सीढ़ियाँ लग रही हैं यार पैरों में, सीढ़ियाँ पैरों में लग रही हैं बहुत जोर से। एक तगड़ा सा पेट, हेलो मंकी, राधे राधे जी भाई। ये नेक्स्ट लेवल टाइम की चल रही है। पैर रखने की जगह नीचे रहती, चेंज करना पड़ गया। पीछे बैठ गया, कहाँ पीछे बैठ गया? पीछे वहीं, कहाँ वहीं? वहीं जहाँ पर बैठ। यहाँ कौन बैठने वाला है? बोल रहा था कि इसी में बैठ के चले आते तो किसी सबका काम हो जाता। अब वो लोग मानने को तैयार ही नहीं थे, वो तो बैठ के निकल गए। ये भी बढ़िया गाइस, देख लो तुमने मुझे पहले किसी रख के बैठे हुए नहीं देखा। शादी में बैठेंगे अब हम सीधा दीपू की शादी में रख के बैठेंगे। दीपू दीपू रख पे बैठेगा, मैं आगे घोड़ा चलाऊंगा, इसका वो बनूंगा। पार्क कहते हैं, कमर वाला कहते हैं। बताता हूँ क्या सीन हुआ था। सीन ये हुआ था कि मतलब मेरा पैर ऐसे बाहर था तो उन्होंने मेरा पैर जूते लगा लिया। मैंने कहा मैं इतना बड़ा सोनी हूँ, तो पूरे घूमने लग रहे थे यार। फिर उसके बाद दोबारा रुका, दोबारा नमस्ते करने आ गए, पैर भी चलते चलते और मैं भी जाते हैं भंडार, मस्त चावल चावल मिल जाए आगे आगे। हाँ, खाना खरीदने की सोच रहा था तो भंडारा दिख गया, मस्त खाना था यहाँ का भी। मैं कह रहा हूँ कि अगर हम चार दिन पैसे खर्च ना करें तो समझ लीजिए हम लोग बजट ट्रिप कर लेंगे, ठीक है? और अगर हम लोग पैसे खर्च करते समझ लीजिए बजट ट्रिप हमारे पास। मैं सबसे कह रहा था ना, मैं खुद थोड़ी कह रहा हूँ, खुद तो मैं खुद में पानी का पाउच नहीं खरीदने वाला। कल गीली होली हो सकती है, कल हमारे फोन वोन भीग सकते हैं, तो फोन को बचा दो। कह रहा अंकल अच्छे चल रहे हैं, अंकल अभी चल रहे हैं। और आप बताए थोड़ा सा, हमें हम सुबह आए हैं, ऊपर चढ़े हैं नंगे पैर, हमने सुबह नंगे पैर पहले बाइक चलाई है, फिर हम ऊपर से नंदगांव गए नंगे पैर, उसके बाद हम लौट के आए, फिर हमें रिक्शे वाले रोक लिया। हाँ, हमारा काम ये है, हम लोग नई नई जगहों पे जाते हैं और उन जगहों पे क्या क्या होता है वो देखते हैं। मतलब नई नई जगहों पे जाके नए नए लोगों से मिलना और नया नया कल्चर होता है। जैसे यहाँ पर हमने पहली बार घी बूरा खाया, ऐसे हम लोग उधर गए थे जयपुर, तो हमने वहाँ कड़ी कचौड़ी टेस्ट की थी। कड़ी कचौड़ी जयपुर की खाई है। हाँ, मतलब अलग अलग जगह की अलग अलग खाने की डिशे होती है ना। और खाने की डिशे ही नहीं, मतलब और बहुत कल्चर भी होता है। जैसे मेहंदीपुर बालाजी है, अब हम वहाँ पे भी जाने वाले हैं, वहाँ पे हम पहली बार भूत देखेंगे सामने। दुनिया भर की चढ़ाई है यहाँ पर। जब मेरा कुलदेवी का मंदिर है ना, उस मंदिर की तूने चढ़ाई कर ली, मैं मान जाऊंगा भाई। यहाँ की चढ़ाई बहुत, यहाँ की कुछ नहीं है, मेरे कुलदेवी के मंदिर की ऐसे ऐसे भाई सब कर लेते हैं यार, भगवान बुलाता है तो वो शक्ति भी देता है। तुम लोगों को सामने से व्यू दिखाता हूँ, देखो कुछ इस तरीके का व्यू है, बहुत ऊंचाई से है ये, बहुत मतलब ऊंची जगह पर है ये। मोड़ ना बाइक से पता नहीं लगते थे, लेकिन अब बहुत जोर से पता लग रहे हैं। खड़ी सीधी चढ़ाई, बाप रे, तीन लोग, ये लोग गिर सकते हैं अगर इन्होंने सही रेडियस पे टर्न नहीं लिया तो। ये देखो मेरा इंतजार कर रहे हैं दोनों, ये जान निकल जाती है, मतलब बिल्कुल इतनी तगड़ी थकान हो जाती है कि इसने तो सुबह हमें रंग लगाया था। हमारी एकदम सही सही खड़ी हुई है। राधे राधे अम्मा, सबको गुलाल लगा दो। देखो वो वाला दरवाजा नहीं खुल रहा तो लोग ऐसे खाई में से कूद कूद के जा रहे हैं, जान कर इसको उठा रहे हैं ये लोग, मर सकते हैं ये लोग। देखो ये लोग नीचे से ऊपर चढ़ के भी आ रहे हैं, स्ट्रगल इस कहावत सच होने जा रही है। यहाँ पर देखो सब लोग कोशिश कर रहे हैं दरवाजा खोलने की, दरवाजा खुल नहीं रहा है, अंदर से कोई खोलने आ नहीं रहा है। जब तक थोड़े बहुत नज़ारे देख लो, अभी हम वहाँ से जाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन हमें अंदर जाने नहीं दिया गया, हमें बाहर अब हम लोग चले ही जाएंगे कैसे ना कैसे करके। आगे से भी रास्ता है, वो हमेशा खुलता रहता है, आगे से रास्ता हमेशा खुला रहता है, लेकिन हमें आदत है पीछे से खुलने की, आदत से मजबूर है हम लोग। आगे से फिर बहुत आगे है,
भाई यहाँ इंसान के ऊपर इंसान चढ़ गया, क्या सांस नहीं आ रही, क्या इतनी भीड़ है, पैर रखने की जगह नहीं है भाई, ऑक्सीजन चाहिए मुझे। भाई जिसकी किस्मत में आज दर्शन कर रहा सिर्फ उसी को होंगे और किसी को नहीं होंगे। सुबह से तीन बार हो चुके हैं, सुबह से तीन बार हो भाई, मेन बात अभी भी है ना, पता नहीं किस हद की भीड़ है, आज के दिन सारे लोगों को दर्शन करते हैं। तो मंदिर में पहुंच रहा, पीछे के रास्ते से हम घुस नहीं पाए तो हम आगे के रास्ते से दोबारा जा रहे थे। ओ भाई इतना बड़ा टास्क, हैराम दीपू सांस नहीं आ रही। होप फॉर द बेस्ट गाइस, अब हम दर्शन करके ही रहेंगे। दीपू आराम से चल, आराम से चल भाई, इतनी भीड़ मैंने जीवन में कभी नहीं देखी, अपने पूरे शहर में नहीं देखी। जल्दी चल, जल्दी चल, उतना टाइम नहीं है भाई, हम लोग आए बस थोड़ा सा ही घूम रहे हैं। भीड़ देखो, भीड़ इतना, मतलब भीड़ है, हद की भीड़ है, मतलब सांस लेने की क्या, पैर रखने की भी जगह नहीं है। बहुत ही अल्ट्रा प्रेम है इस दिन, मत आना यहाँ होली पे, बहुत टेंशन है। बता कितने कितने पैसे कमाएगा तू मंदिर से? मंदिर से 2000। कैसे? दूसरा दर्शन रावत, कौन सा था वो? अबे ये कल का लोना हमें बता रहा है पैसे कमाने के लिए। भाई उस टाइम पे ना मुझे ढंग से दर्शन नहीं हो पाए थे और दीपू की कमर में चोट भी लग गई थी, तो मुझे उसे लेकर के यहाँ पर आना पड़ा। पर वो कहते हैं ना, जब राधा रानी बुलाती हैं तो आपको जाना ही पड़ता है, तो एक और बार कॉल आ गया है। मंदिर पूरा खाली है और अब मैं जा रहा हूँ अंदर, चलो चलते हैं। ओके, तो अभी मेरी मंदिर में जो एंट्री होने वाली है वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है, मुझे नहीं पता था कि मुझे दूसरा चांस भी मिलेगा अंदर जाने का। ये मेरी बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड एंट्री है यहाँ पर, मुझे नहीं पता था मुझे ये चांस दोबारा मिलेगा। बाप रे, भाई सच में मजा आ रहा है, मतलब क्या मिस कर जाता अगर मैं यहाँ पर नहीं जाता तो। क्या होता है, कई नज़ारों की कोई कीमत नहीं होती है, जैसे कि देखो मतलब मुझे खुद नहीं पता था मैं क्या मिस करने वाला था। फर्स्ट माता भैया को मैंने कॉल किया, मैंने कहा भरो एंड देन उन्होंने मुझे बुला लिया, तो हाँ उसके लिए थैंक यू माता भैया, अभी वीडियो तो देखोगे मेरी तरफ से डबल थैंक यू। बस बिल्कुल एंड पे खड़ा हुआ हूँ श्री लालजी जी के मंदिर के, और मेरे हिसाब से ये नज़ारा आप सब में से किसी को मिस नहीं करना चाहिए। वक्त और नज़ारों की कोई कीमत नहीं होती। मंदिर की भी लास्ट आरती हो गई थी, तो अब घर जाने का वक्त आ गया है, अब घर की तरफ निकलते हैं। मैंने भी, आपने क्या सोचा था? मैंने भी यही बोला, चिंता मत करो हम ब्लॉगर है, कोई टेंशन नहीं है हम थोड़ा सा फेमस करेंगे मुझे ये चाहिए कि मेरे से कोई मोमेंट छूट ना जाए चाहे वो सामने रखे हुए लड्डुओं का ही क्यों ना हो।